नेक्स्ट वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद ट्राई करो, देखो होता है। एट व्हाट टेम्परेचर द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हम लोग पास ऑक्सीजन है जो बहुत जरूरी है, रहना भी चाहिए। आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन जस्ट सफिशियंट एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओ गॉड, अगर ऑक्सीजन अर्थ से एस्केप कर, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एस्केप कर गया, तो हम लोग वहीं चले जाएंगे जहां ऑक्सीजन जाएगा, मार्स पे चले जाएंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को निकालना है एट व्हाट टेम्परेचर विद द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकेम जस्ट सफिशियंट एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ एटमोस्फियर। अब देखो, हम सबको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे अर्थ, ये अर्थ है, समझना इस सवाल को, अर्थ है, अर्थ के आसपास एक ऑक्सीजन की लेयर है जिसको मैं एटमोस्फियर बोलता हूँ, और उस ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स की आरएमएस स्पीड होती है, वी आरएमएस, वो आती है 3 kT/m अंडर रूट। ये पढ़ के आए होंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टी टेम्परेचर। अब ये जो मॉलिक्यूल है वो रैंडम रेस्ट में तो रहता नहीं है भाई, ये घूमता रहता है यार, ये मोशन करता रहता है, ये इस तरह से रैंडम मोशन करते रहते हैं। अब मान लो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी रैंडम मोशन बढ़ेगी यार, एक ऐसा समय आ जाएगा कि ये बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो जाए कि अर्थ की ग्रेविटी को चैलेंज करके ये एस्केप कर जाए, इन्फिनिटी को चले जाना, एस्केप मतलब इन्फिनिटी को चले जाना। तो उस टेम्परेचर की वैल्यू हमें निकालनी है, उसके बाद अर्थ पे कोई लाइफ पॉसिबल नहीं होगी यार। अब एस्केप वेलोसिटी आप 11th में फिजिक्स में पढ़ के आए थे अर्थ पे, अभी जो सब सिचुएशन नॉर्मल है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 11.2 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, तो 1120 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। अब ये एस्केप वेलोसिटी आरएमएस के इक्वल हो गया मान लो किसी स्पेशल टेम्परेचर टी डैश पे, और वही हमें कैलकुलेशन करना है। तो वो जो खास टेम्परेचर है वो देख लेते हैं, वी आर एम एस इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। बेसिकली मेरे पास प्यारे बच्चों 11200 एस्केप वेलोसिटी है और 3 kT स्पेशल टेम्परेचर टी डैश मॉलिक्यूल का मास, ये अब वैल्यू डालो 3 और मास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ 1.38 × 10⁻²⁰ डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर टी डैश ले लिया स्पेशल टेम्परेचर, और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ यहाँ से मास ऑफ द 2.76 × 10⁻²⁶, ये सब अंडर रूट रहेंगे, ठीक है, ये टेम्परेचर नगले, ये सब अंडर रूट है। अब ये जो बड़ा सा काम है डिफिकल्ट वाला वो आपका है, ठीक है, 11 की इसमें से टी निकालना, इसको स्क्वायर कीजिए और इसको कैलकुलेट करिए, और उसके बाद आप कैलकुलेट 3 × 10⁴। ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ कि कभी कभी आसान क्वेश्चन रहते हुए भी उसको कैलकुलेशन सही होने की जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत कम होती है, तो आसपास अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट